एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए हम और हमारे मटियाला विधानसभा के विधायक साथी गुलाब सिंह यादव जी इकट्ठा हुए हैं। आप सबकी जानकारी में होगा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कि द्वारका सेक्टर 18 के अंदर 2003 में परम आदरणीय कवि कुल शिरोमणि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की रक्षा करते करते जो जवान शहीद हुए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवाए, उनके परिवार की चिंता करते हुए कारगिल सोसाइटी नाम से एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। इस प्रयास को बहुत सराहा गया और जिस प्रयास को पूरे देश ने, पूरी सेना ने, सामाजिक राजनीतिक जगत ने सराहा कि सर पे छत देने का नेक काम किया गया है, आज स्वर्गीय अटल जी के उस सपने को अपने जूते की नोक पर रखकर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा शासित निगम ने देश का, देश के जवानों का और देशभक्ति का मजाक बनाकर रख दिया है। क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी शहीदों के परिवारों के रहने के लिए बनी, वहां रहने के लिए घर के साथ साथ उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इस बाबत वहां दुकानें भी बनी। और हम और आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है कि दिल्ली के अंदर चाहे दुकान चाहे मकान, हर लेंटर पे पैसा खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह अपने एजेंट छोड़ने वाली बीजेपी ने एक शर्मनाक हरकत करी और यहां की दुकानें तोड़वाना शुरू कर दिया। मतलब सोच के देखिए आप, ऐसा नेक्सस बनाया है भाजपा के नेताओं ने स्थानीय बिल्डरों के साथ मिलके कि जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी उसकी भूमि छीन रहे हैं। कैसा विरोधाभास है। और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर भी करता है यह विरोधाभास कि जिन जवानों ने देश के लिए खून बहाया, आप उनके परिवार के लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। आप चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश की अस्मिता पर न्योछावर होने वाले जो शहीद थे, उनकी विधवा हैं, उनके परिवार के अन्य लोग हैं, आप उनके ऊपर फर्जी केस करवा रहे हैं, मुकदमे करवा रहे हैं, बिल्डरों के साथ मिलकर गुंडई करके दबाव बनवा के उनके फ्लैट बिकवा रहे हैं, दुकान तोड़वा रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेयर साहिबा हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के बिल्डरों ने आपकी जेब में कितने पैसे ठूस दिए कि छत में देशभक्ति का दिखावा भी आपसे नहीं किया गया और आप शहीदों के परिवारों को बेघर करने पे तुले हुए हैं, उनका सुकून और चैन छीनने पे तुले हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़वा रहे हैं आप, उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों परिवार हैं,
ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो भय के साए में जी रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो भाजपा और बिल्डरों की लॉबी के दबाव में डर के मारे वहां से चले गए। मैं खुद दो दर्जन ऐसे परिवारों से मिला जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय गुंडों ने उन परिवारों के ऊपर फर्जी मुकदमे करा रखे हैं। एक ही आदमी मुकदमे कराता है, एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, खुलेआम गुंडई मचा रखी इन लोगों ने। तो आम आदमी पार्टी शहीदों के परिवारों का यह अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी को दिल्ली के अंदर जाबाज देशभक्त शहीदों के परिवारों की अस्मिता से कतई भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, बताएं भाजपा के मेयर, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, कितने पैसे में डील हुई शहीदों के परिवारों को परेशान करने के लिए, उनके घरों को तोड़ने के लिए, उनको मजबूर करके वहां से बाहर भगाने के लिए स्थानीय बिल्डरों से कितने पैसे खाए। अरे ताबूत में दलाली करने वालों, कम से कम जो परिवार शहीद हो गए, जो जवान शहीद हो गए, उनको उनके परिवारों को सुकून से जीने तो दो। तो आज आपके माध्यम से हम स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मेयर, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद और शीर्ष नेतृत्व सबको स्पष्ट दो टूक कहना चाहते हैं कि जो दुकानें तोड़ी गई हैं, आम आदमी पार्टी आपको 48 घंटे की मोहलत देती है, दो दिन के अंदर उन दुकानों को रिस्टोर किया जाए, बिजनेस एज यूजुअल किया जाए। दूसरा, देश के लिए कुर्बान होने वाले परिवारों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ जो आपने घिनौनी हरकत की है, जो आपने खिलवाड़ किया है, जो उनको डराकर धमकाकर बिल्डरों के साथ मिलकर उनके घरों दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसे रोकते हुए उन परिवारों से आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए। माफी मांगिए, आप कहिए आपकी शर्मिंदा है, चंद कागज के टुकड़ों के लालच में आपने अपना ईमान गिरवी रख दिया बिल्डरों के पास, ये कहिए आप। और नहीं तो दो दिन बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश का संगठन देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मेयर, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सबके खिलाफ जमीन पे आंदोलन छेड़ेगी, इनका घेराव करेगी, और तब तक चैन से घर पे चुप नहीं बैठेगी जब तक जो अधिकार इन्हें 2003 में दिया गया रहने का, जिंदगी गुजर बसर करने का, वो अधिकार इन्हें वापस नहीं मिल जाता।